नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। इस खबर के प्रायोजक है मजबूत इरादा मजबूत वादा, लाला प्रधान है बेहतर ज्यादा। लाला प्रधान जिला पंचायत सदस्य बसपा प्रत्याशी वार्ड नंबर 18 बुलंदशहर को अपना कीमती वोट देकर विजय बनाया। मोहम्मद इकरार आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी वार्ड नंबर 8 जिला पंचायत सदस्य। जन जन की यही पुकार, मोहम्मद इकरार अब की बार। मोहम्मद इकरार को जिताना है, क्षेत्र में विकास कराना है। मोहम्मद इकरार को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। पूरनपुर की कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला बमनपुरी वार्ड नंबर 4 की रहने वाली युवती के साथ में उसके फूफा द्वारा रेप की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पीड़िता द्वारा पूरनपुर पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने रेप की धारा सहित गंभीर धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे पीड़िता काफी परेशान है और पीड़िता के ऊपर कोतवाली पूरन पुलिस द्वारा समझौता करने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। बराबर पीड़िता कोतवाली के चक्कर काट रही है, लेकिन उसके बाद अभी तक पीड़िता को न्याय नहीं मिला। साथ ही पीड़िता द्वारा न्याय पाने की उम्मीद पुलिस अधीक्षक किरीट सिंह राठौर पीलीभीत को भी एक शिकायती पत्र दिया गया है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं और आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद खुलेआम घूम रहा है। मंडल ब्यूरो चीफ मोइन खान की रिपोर्ट। जन जन की यही पुकार, हसमुद्दीन खान अब की बार। हसमुद्दीन खान जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 5 भाजपा प्रत्याशी निवासी मकरंदपुर पूरनपुर पीलीभीत को अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाए। आपका ज्योति गुप्ता। ज्योति, तुम्हारे साथ में क्या घटना घटित हुई? मेरे फूफा ने मुझे घर से निकाल दिया, 2-3 बार मेरे साथ गलत काम भी किया है और मेरे साथ 12 दिन से छेड़छाड़ कर रहा था, अश्लील हरकतें कर रहा था। उसके बाद मैंने 8 तारीख को पूरनपुर कोतवाली में FIR दी, तो वहाँ से 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने फूफा से पैसे तय किए और समझौता करवाने पर दबाव डाला। उसके बाद उन्होंने बोला 12 तारीख को समझौता होगा। जब मैं 12 तारीख को वहाँ से आई, जीजू ले गए थे मुझे अपने गांव 2 दिन के लिए, तो इन्होंने समझौता करने से मना कर दिया। बोले ये अकेली है, कुछ नहीं कर पाएगी, मुकदमा तारीख नहीं ले पाएगी, ना मुकदमा लड़ सकती है, और इसे ऐसे ही जाने दो। उसके बाद मैंने फिर पीलीभीत जाके SP को FIR दी, तो वहाँ से उन्होंने मुझसे बोला थाने जाना। थाने में जब मैं गई तो वहाँ मेरी कार्रवाई तो हुई, पर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है और जो आरोपी है वो अभी भी फरार है। कहाँ की घटना है ये घटना? पूरनपुर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।